संसार में कई विषयों को लेकर विद्वानों में मतभेद होता है। उसी प्रकार बिना दर्द वाली पथरी और पित्त की थैली में सूजन के समय ऑपरेशन को लेकर भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर वाइकिंग भानु और मैं आज बताऊंगा कि बिना दर्द वाली पित्त की पथरी का ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं, पित्त की थैली में सूजन के समय इसका ऑपरेशन संभव है या नहीं, और आयुष्मान भारत अथवा राज्य की स्वास्थ्य पॉलिसी में दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा है या नहीं। माना जाता है कि पित्त की पथरी वाले 30% लोगों को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कौन सा मरीज बचे हुए 70% में है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सी पथरी आगे चलकर तकलीफ देगी। तो क्या हर पथरी का इलाज जरूरी है? इसके लिए दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। ज्यादातर डॉक्टरों का मानना है कि जब पथरी कोई तकलीफ कर ही नहीं रही हो या फिर कभी कभी दर्द करती हो तो मरीज को ऑपरेशन की क्या जरूरत, और दूसरी तरफ शल्य चिकित्सकों का मानना है कि पथरी का एक बार पता चल जाए तो उसको इलाज की जरूरत है। ये पथरियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैं और हर प्रकार की पथरी अलग परेशानी को जन्म दे सकती है, जैसे कि काला पीलिया, इन्फेक्शन, पित्त की थैली की सूजन, और समय पर इलाज ना किया जाए तो जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए पथरी कोई भयानक रूप ले ले, इससे बेहतर और कई गुना आसान है दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करवा लिया जाए। पित्त की थैली में सूजन के समय ऑपरेशन को लेकर भी कई मतभेद हैं, तो आइए आज जानते हैं कि पित्त की थैली में सूजन हो तो ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर 4 से 6 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। कई बार पित्त की पथरी की वजह से पित्त की थैली में सूजन आ जाती है। इसे एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। पेट के ऊपरले हिस्से में दाईं तरफ काफ़ी जोरों का दर्द होता है और साथ में बुखार के साथ उल्टियाँ भी आ सकती हैं। अमूमन इस परिस्थिति में मरीज को अस्पताल में एडमिट करके इंजेक्शन द्वारा इलाज किया जाता है, लेकिन इसी एडमिशन के दौरान ऑपरेशन हो जाए और एक ही बार में बीमारी को जड़ से ठीक कर दिया जाए तो मरीज के लिए ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे तकलीफ कम होने के साथ साथ समय और पैसे दोनों की बचत होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संभव है? जी हाँ, ये जितना संभव है उतना ही सेफ भी है। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि आपका शल्य चिकित्सक इन हालातों में दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने में सक्षम हो और उसके पास ऑपरेशन के बेहतरीन औजार भी हों। मान लो अगर आपको ड्राइव करके किसी जगह पर पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन रास्ते में कीचड़, बर्फ और अंधेरा हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आपके पास 4x4 ऑटोमेटिक गाड़ी हो और आपका ड्राइवर इस तरह के रास्तों पर गाड़ी चलाने का आदि हो तो फिर पहुंचना आसान है। आइए अब जानते हैं सबसे ज़रूरी और आखिरी सवाल के बारे में कि आयुष्मान भारत या हिमकेयर कार्ड में दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा है या नहीं। पित्त की पथरी एक प्रॉब्लम है और दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन इसका सबसे अच्छा सलूशन है। अब बात ये आती है कि इस ऑपरेशन में खर्चा कितना आता है और क्या कम आमदनी वाले भी इस ऑपरेशन को करवा सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, इफ अ सोल्यूशन इज नॉट अफोर्डेबल देन इट इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर किसी समस्या का समाधान आपकी हैसियत से ज़्यादा है तो वो समाधान नहीं है। आयुष्मान भारत तथा हिम केयर इसी वर्ग के लिए एक वरदान के समान है। इसमें हर एक बीमारी के लिए एक निर्धारित धन की व्यवस्था सरकार ने की है। ये धनराशि प्राइवेट अस्पताल में अमूमन आने वाले खर्चे से वैसे तो काफ़ी कम है, लेकिन सरकार इसको आजकल के खर्चे के आसपास लाने में तत्पर है। इन पैकेजों में हेल्थ कार्ड धारकों को जनरल वार्ड के तहत दूरबीन विधि के लगभग हर प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा दी गई है। अब ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ कार्ड्स के तहत दूरबीन से ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये अस्पताल से अस्पताल पर निर्भर करता है कि वो हेल्थ कार्ड के तहत ऑपरेशन करेंगे कि नहीं। आशा करता हूँ कि पित्त की पथरी के बारे में ये सरल भाषा में बताने की मेरी कोशिश कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगी और पथरी के मरीजों को इलाज में सहायक होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालों को लें। तो आज के लिए आपसे मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय की जानकारी के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।